छिंदवाड़ा कलेक्टर श्री सिंह ने ली समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक। बिना अनुमति तलघर बनाने और उसके कमर्शियल उपयोग करने वालों पर की गई कार्यवाही से अवगत कराएं नगर नियम आयुक्त कलेक्टर श्री सिंह। कलेक्टर श्री शीलेंद्र सिंह ने निर्देश दिए कि आयुक्त नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा यह बताए कि शहर में बिना अनुमति तलघर बनाने वालों और उनका कमर्शियल उपयोग करने वालों पर नियमानुसार क्या कार्रवाई की गई। एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई कर अगली टीएल बैठक में सभी प्रकरणों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करें। शहरी क्षेत्र में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी लगातार करें। अवैध कॉलोनाइजर्स की अंतिम नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई करें। जिन प्रकरणों में एफआईआर करने की जरूरत हो उनमें अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी निर्माण विभागों को निर्देश दिए कि सभी ठेकेदारों पर सख्ती करें और प्रत्येक निर्माण कार्य उसकी निर्धारित कार्य पूर्णता अवधि में ही पूर्ण कराएं। हर कार्य निर्धारित अवधि से डिले चल रहा है, आगे से यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर श्री सिंह आज समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में विभागवार लंबित समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। यह बैठक कलेक्टर कार्यालय के संभावक कक्ष में आयोजित की गई थी, जिसमें अपर कलेक्टर श्री के सी बोपचे, एसडीएम छिंदवाड़ा श्री सुधीर जैन, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती ज्योति ठाकुर, उप संचालक कृषि श्री जितेंद्र कुमार सिंह, नगर पालिका निगम के आयुक्त श्री सी पी राज साहिब सहित सभी विभागों के जिले अधिकारी कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में उपस्थित थे, जबकि अन्य सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सीईओ जनपद पंचायत, सीएमओ सहित सभी खंड स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण, न्यायालय के लंबित प्रकरणों, सीएम डैशबोर्ड, विभिन्न आयोगों एवं वरिष्ठ कार्यालयों के पत्रों, आदिवासी न्याय महाअभियान, नागरिकों की ई के वाईसी कार्य में प्रगति आदि की भी विस्तृत समीक्षा की गई और विभिन्न अंतर विभागीय समन्वय से जुड़े विषयों पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एमपी न्यूज लाइव जिला ब्यूरो राजा मंसूरी की खास खबर।